ना बोलती बंद करा बा किले का बोलती बंद। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सालू नेगी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपनी एक और नई वीडियो में। अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और आज का मौसम मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आज का मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रहा है। तेज वाली धूप लगी हुई है और अच्छा सा मौसम हो रहा है। अभी घर के सभी काम काज निपटा के ना मैं धारा आ रखी हूँ कपड़े धोने। बाकी माँ जा रही है जंगल, आज मैं जंगल नहीं गई क्योंकि कपड़े धोने के लिए थे। बाकी अब मैं कपड़े धोती हूँ और आप लोग वीडियो में बने रहिए। बारिश आने के कारण धारे पर भी पानी आ रहा है तो पानी की समस्या भी ख़त्म हो गई है। और बरसात के टाइम पर ना हमारे धारे पर बहुत ही ज़्यादा पानी आता है लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है। आज की सुबह का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है और सामने मेरा खूबसूरत सा गांव कन्यास है और चारों तरफ हरियाली हो रखी है। सामने वाली पहाड़ी पर जा रखी हैं हमारे गांव की सारी महिलाएं घास के लिए, बोले तो चार में जा रखी हैं जहां पर हमारी पंचायती घास है। और आजकल ना वहां पर पत्थर गिरने का डर भी बना रहता है। सारा से कपड़े धो के मैं घर आ गई हूं और कपड़े ना मैंने यहां पर सुखाने के लिए डाल दिए हैं और मैंने त्रिपाल में ना गेहूँ भी सुखाने के लिए डाल रखे हैं। और माँ भी जंगल से घर आ गई है तो माँ ने यहाँ पर ना अपनी स्वेटर भी सुखाने के लिए रखी हुई है ख़राब ना हो। दिन के 12 बजने वाले हैं और अब मैं ना खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और काना और मैं जाने वाले हैं अभी पिल्टे के लिए। काना ना अपने रिबन निकाल रही है। और काना के हाथ पर ना पता नहीं किस जीव ने काटा, काना का हाथ ना बहुत ही ज़्यादा सूज रखा है। माँ गेहूँ साफ़ कर रही है जो कि मैंने ना सुबह धूप पर सुखाने के लिए डाल रखे थे। और इन गेहूँ में ना बहुत ही ज़्यादा कूड़ा है। काना ना सिर्फ खाली आ रही थी मेरे साथ तो माँ ने ना काना के पास भी दे दी है सल्टी। ए चल खड़ो चल टिंको। काना ना पानी भर रही है और आप लोग पीछे देख सकते हैं जो हमारे ग्राम देवता छत्रपाल जी का मंदिर है तो वहाँ पर ना कुछ ऐसा बन गया है। और अब अगर कभी भी वहाँ पर पूजा होगी ना अगर बारिश आएगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी चंगेरी यहाँ पर रखी हुई हैं दोनों ने, पानी पीते हैं और चलते हैं। बाकी यहाँ सामने पे एक तिमले का पेड़ है जिस पर ना खूब सारे तिमले पके भी हैं और बहुत सारे कच्चे भी हैं। और काना बोल रही है मुझे जाना है पर नहीं जाना है क्योंकि बाकी दोस्तों हम लोग जंगल में पहुँच गए हैं। और काना ने ना हम लोग थोड़ा बैठे हुए थे लेकिन काना ने इतना पिल्टा इकट्ठा कर दिया है, इतनी सारी चीड़ की पत्तियाँ इकट्ठा कर दी हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे हम इतनी सारी चीड़ की पत्तियाँ या इतना ज़्यादा पिल्टे का करते क्या हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम अपने पशुओं के लिए बिछाने के लिए इन पत्तियों को ले जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे गौशालाओं पर आजकल ना बहुत सारी जंगली मक्खियाँ रहती हैं जिनको भगाने के लिए ना हम पिल्टे का यूज़ करते हैं, पिल्टे से धुआं लगाते हैं। बाकी अब इकट्ठा करती हूँ मैं भी, अभी मेरी चंगेरी ना बिल्कुल खाली है और मेघा भी आ रखी है, मेघा भी ऊपर चली गई है और इसने ना इकट्ठा कर दिया है तो ये चंगेरी में ना रख रही है। और इधर साइड ना लोगों के खेत भी हैं। ऐसे भी लो पिल्टा हमने इकट्ठा कर दिया है और अब जल्दी से मैं ना चंगेरी में रखती हूँ। हिल के ना जरा रही हूँ तू
फाइनली दोस्तों हम लोग गौशाला पर पहुंच चुके हैं। मेरे चंगर उघले हुआ, बाकी हम लोग ना घर आ गए हैं। तो हमारे ना इन लकड़ियों के बीच में ना एक सांप का बच्चा था जो कि जेरी ने पकड़ा, और यहाँ पर ना यहाँ और यहाँ पर रखा हुआ है। डैड ने पकड़ा ये, डायनासोर है ये, क्या नाम है इसे? देखो कुछ नहीं है आप, ये दो मुंह वाला है। पाप साउंड में आपस में पूछ रहा बस सुनो क्या बराम अकॉर्ड मौसम रात में कही ये लाठा से ये देखो ये ये दो नाम तो बोलो ना, बोलती बंद करा बा किले कन बोलती बंद आप डरा ना खराब मारी दे आप डंडा दे रहे हाथ बताओ ना जी चोखर चोखर ना कर ना जय तेरी मां ओल बल हम पकड़ा हम तो गोले में दौड़ी हो ना यू जिंदा थी अभी नीरो नियम नीस जिंदा। दोस्तों सांप ना अधमरा हो चुका है और काना ना इसको पन्नी में रख रही है। एक आंसू हिलकुणु जी ए हिलकुणु जी तो क्या क्या याद रोनी मन में लगा रे जी जी मन में रुक गया उठ और दो मुका बना रन चला ये मोड़े जी मोड़ ची लोड़ी बारीक तगी जो आ क्या कड़े बैठी थी मैंने छोड़ो ते पूछलू जी आप छोड़ आप चलते थोला पकड़ लाठा वा यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपनी एक और नई वीडियो में, तब तक ले बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।